गोंदिया शहर के कुछ युवक युवतियों ने 18 जून 2017 को हर रविवार को साइकिल चलाने का निर्णय लिया और इस तरह संडे साइकिलिंग ग्रुप का गठन किया गया। साइकिल चलाए, पर्यावरण बचाए और स्वस्थ रहे की अभिनव गतिविधि जारी रखी। इसी संदेश के साथ साइकिल चलाते हुए इस साइकिलिंग संडे ग्रुप को 7 साल पूरे हो गए और इस मौके पर गोंदिया के कलेक्टर प्रजीत नायर भी साइकिलिंग की इस पहल में शामिल हुए। इस गतिविधि में भाग लिया और खुद साइकिल चलाकर उन्होंने नागरिकों से साइकिल चलाने की अपील की। हम देख रहे हैं कि यह दोपहिया और चार पहिया वाहनों के व्यापक उपयोग के कारण प्रदूषण बड़े पैमाने पर बढ़ गया है, जिससे इंसानों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है और यह आने वाली पीढ़ी के लिए कई समस्याएं पैदा कर सकता है। गोंदिया के युवा युवतियां और बुजुर्ग आ गया है एक दिन साइकिल के नाम संडे साइकिल ग्रुप बनाया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा युवतियां और बुजुर्ग भी शामिल हुए और गोंदिया के विभिन्न गांवों में एक दिन साइकिल चलाइए। जिले में हर रविवार को 20 से 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर पर्यावरण को बचाने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए लगातार 7 साल से काम कर रहे हैं। आज इस रविवार साइकिल ग्रुप के 7 साल पूरे हो गए। साइकिल चलाने से हर किसी को अपने स्वास्थ्य और हृदय को स्वस्थ रखने के लिए साइकिल चलानी चाहिए, इसीलिए एक दिन साइकिल चलाने से न केवल मानव स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बल्कि उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इस गतिविधि में भाग लेने की अपील भी की है। हम सभी से यही मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि साइकिल चलाने से सेहत भी अच्छी रहती है और पर्यावरण को सही रखने में योगदान मिलता है। 7 साल पूरे हो गए और हमें लगता है कि अभी बहुत साल बाकी है लोगों को अवेयर करने में, क्योंकि अभी हम जितनी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ एटलीस्ट हर संडे एक दिन साइकिल के नाम कैंपेन में लोग जुड़े, और मुझे लगता है कि इस ग्रुप में जितना जो एज ग्रुप है वो 8 साल से लेके 83 साल तक के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक बहुत दिल से अपील करना चाहेंगे कि हमारे इस कैंपेन में जुड़े और थोड़ा सा पर्यावरण को बचाने में योगदान दें। ये साइकिल संडे जो चला रहे हैं, जब से शुरू हुआ है तब से मैं अभी तक के साथ में हूँ और मैं करीब करीब 7 साल से साइकिल चला रहा हूँ और साइकिल चलाने के बहुत सारे फायदे हैं। साइकिल से सेहत बनती है, परिवार में बचता है और इसके अलावा शरीर में स्वस्थ और फुर्ती आती है। साइकिल आज के ज़माने में लोग इतने आलसी बन गए हैं कि यहाँ से अगर 1 किलोमीटर भी जाना है तो पीछे लौट लौट के देखते कि कोई गाड़ी का साधन मिल जाए, लेकिन ऐसी व्यवस्था होने ही नहीं चाहिए। साइकिल से हम लोग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर 50,000 किलोमीटर तक साइकिल चला सकते हैं। आदमी ने कभी भी आलसी बन के नहीं रहना और कम से कम हर किसी के पास में आज के ज़माने में गाड़ी है, उससे परिवार तो नहीं बच पाता लेकिन फिर भी अपना अगर साइकिल चलाएँ तो काफ़ी अपना पैसे का पेट्रोल का भी पैसा बचा सकते हैं, शरीर भी बना सकते हैं और आगे शरीर स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर दिन कम से कम 1-2 घंटा साइकिल चलाएं, जैसे कि मैं चलाता हूँ और हमेशा चलाते ही रहूँगा, और अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी इसके लिए चलाया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात तो आप लोगों को 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो 7 साल की। ये 7 साल के हिसाब से ऐसा ही साथ हम सभी का बना रहे, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार से हम लोग पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग भी साइकिल के प्रति जागरूकता लाकर जो पॉल्यूशन कंट्रोल कर ले, आप भी बहुत बहुत पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है। और ये जो जागरूकता आ रही है बहुत अच्छी जागरूकता है। आज कलेक्टर सर आए, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमारी टीम को इन्वाइट किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही निरंतर ये कार्य करते रहे, यही हमारी शुभकामनाएँ, धन्यवाद। आज साइकिल संडेला 7 वर्ष झालेले आहेत, मी साइकिल चालवते तर मला 4 वर्ष झालेले आहेत आणि आज आपले गोंदियाचे जिल्हाधिकारी आले होते आणि ते आमच्यासोबत सायकल चालवला, याच्यामुळे आम्हाला समजमध्ये येते की एवढे अधिकारी राहून ते आमच्यासोबत सायकल चालवू शकतात, तर हा पर्यावरण वाचवण्याचा एक मोठा कार्यक्रम आहे, मोहीम आहे। तर सर्वांनी पर्यावरणाच्या सोबत सोबत जर तुम्हाला सेहत आपल्या शरीराशी आपल्या स्वास्थ्याशी जर प्रेम असेल तर तुम्ही सायकल चालवा आणि स्वस्थ पण राहा आणि पर्यावरण पण वाचवू शकता। बस एवढंच। आज सायकलिंग संडे या ग्रुपने आयोजित केलेला जे त्यांचा 7वा वर्धापन दिन आहे त्याच्यासाठी मला बोलवलं होतं आणि त्याच्यासाठी मी सर्वांना शुभेच्छा देणार। आणि सायकलिंगबद्दल मी हे सांगू इच्छितो की सायकलिंग हा खूप चांगला आहे, कार्डिओवॅस्क्युलर एक्सरसाइज आहे आणि हे सर्वांनी दिवसाला ॲटलिस्ट 1 तास एक्सरसाइज केला पाहिजे। आणि सायकलिंग हा जे एक्सरसाइज आहे हे कोणत्याही वयोगटातील कोणत्याही जे व्यक्ती आहेत ते करू शकतात,
आणि हार्टसाठी चांगलं आहेत आणि आपल्या सेहत म्हणून कायम ठेवण्यासाठीसुद्धा एक चांगला एक्सरसाइज आहेत. तर सर्वांना आव्हान असणार आहेत की दिवसाला ॲटलिस्ट एक तास काढलं पाहिजे. हे स्वतःचं सेहतसाठी चांगलं असतात आणि पर्यावरणासाठीसुद्धा चांगलं असतात. BCN न्यूज़ के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट.